कि बाराबंकी में असदुद्दीन ओवैसी पर एफआईआर हो गई है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप उन पर है। कोरोना नियमों के उल्लंघन का भी आरोप है। बाराबंकी में ओवैसी ने सभा की थी और सभा के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ी थी, जिसके बाद अब उन पर एफआईआर हो गई है। आरोप दो तरह के हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा गया और कोरोना के नियमों का उल्लंघन हुआ। चुनावी समर में बाराबंकी में सभा करने पहुंचे असद ओवैसी पर हो गई है अब एफआईआर। बाराबंकी में उन्होंने एक जनसभा की थी, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग यहां पर जुटे थे, लेकिन कोरोना के नियमों की धज्जियां यहां पर उड़ी। कोरोना गाइडलाइंस का पालन इस जनसभा में नहीं हुआ और साथ ही जिस तरह की बातें मंच से उन्होंने कही, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का भी आरोप उन पर लगाया गया है। असदुद्दीन ओवैसी पर हो गई है एफआईआर। एआईएमआईएम आपको बता दें कि चुनाव लड़ रही है यूपी में और उसी सिलसिले में जनसभा के लिए पहुंचे थे असद ओवैसी। अब पुलिस ने उन पर एफआईआर दर्ज कर ली है। उनकी सभा के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ी थी। ज्यादातरों के चेहरे पर ना तो मास्क था ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना काल में जो गाइडलाइंस है उनको साफ तौर पर अनदेखा करते हुए नजर आए थे, जिसके कारण अब उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। मंच से उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसी भी बातें कही। अपने भाषण के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने जिस तरह की बातें सामने रखी, उनको लेकर यह भी आरोप है कि उससे माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई। सांप्रदायिक सौहार्द की जो भावना है वो खराब करने की कोशिश हुई और ये धारा भी उन पर लगाई गई है। एफआईआर दर्ज हो गई है असदुद्दीन ओवैसी पर। एआईएमआईएम जो कि उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और असद ओवैसी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं और यहां उन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। कोरोना नियमों के उल्लंघन का भी उन पर आरोप लगा है। सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना और कोरोना नियमों का उल्लंघन। बाराबंकी में जो जनसभा की ओवैसी ने, उसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बाराबंकी में असद ओवैसी पर मामला दर्ज हो गया है। चुनावी भाषण वो मंच से दे रहे थे, लेकिन इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ। वहां जो भीड़ इकट्ठा थी, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के मामले में कहीं कुछ भी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। सतीश कश्यप से इस पर अपडेट लेते हैं। सतीश, विस्तार से बताइएगा, एफआईआर के बाद कोई कार्रवाई हुई है क्या अभी तक? देखिए, इस पूरे मामले पे पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने बयान जारी किया है और जो है बयान में उन्होंने साफ स्पष्ट जो है बताया है कि जो आयोजक थे उन लोगों ने जो है जो प्रशासन द्वारा अनुमति दी गई थी उसका उन लोगों ने उल्लंघन किया और जो ओवैसी ने जो बयान दिया इससे कहीं ना कहीं माहौल वहाँ का बिगड़ा है। और जो यह बाराबंकी का रामसलिंग घाट क्षेत्र पड़ता, वहाँ एक मस्जिद भी हटाने का मामला था, उसको भी लेके उन्होंने बयान दिया था। इस तरह जो है इसमें जो है कई शर्तें थी उसका उल्लंघन किया गया और जो है भीड़ इकट्ठा करके मंच लगाया गया, तो तमाम शर्तों का उल्लंघन करते हुए जो है सम्मेलन किया गया, वहां पर जो है मंच लगाया गया, उसके तहत पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज किया है और इसमें जो आयोजक थे उनके खिलाफ जो है और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। रात देर रात जो है पुलिस अधीक्षक ने संबंध में बयान जारी किया और आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। आज हो सकता है कि उसमें कुछ लोगों से पूछताछ के लिए पुलिस आगे की कार्रवाई करे। बहुत शुक्रिया आपका सतीश कश्यप, इन तमाम जानकारियों के लिए।